मोटी रकम बटोरकर ब्लैक में मारुति स्विफ्ट व डिजायर कारें बेचने वाले चंडीगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित मारुति कंपनी के अधिकृत डीलर बर्कले ऑटोमोबाइल लिमिटेड के AGM सुखविंदर कैंत और दो सेल्स अधिकारियों में पंकज शर्मा व विक्रांत ठाकुर को चंडीगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी एजेंसी में आने वाले उन लोगों से संपर्क करते थे जो कारें जल्द लेने के इच्छुक होते थे। इसके बाद फर्जीवाड़े का खेल शुरू होता था। वे फर्जी कागजात तैयार कर उनसे 50,000 से लेकर 1,00,000 रुपए ब्लैक लेकर उन्हें वे कारें सौंप देते थे जो कि लोगों ने काफी समय पहले ही बुक करवा रखी थी। इन्होंने ही बताया कि फ्रॉड पेपर बना के दिए जी हमने, इंश्योरेंस इन्होंने फ्रॉड बनाई, टेम्पररी नंबर इन्होंने फ्रॉड बनाई, रिसीटें इन्होंने फ्रॉड बनाई। जब हम पेपर लेने गए तो कहते जी आपकी गाड़ी तो आपके नाम ही नहीं है, ये सब कुछ फ्रॉड है, ये फॉर्ज पेपर है। मैंने जी बना के आपने दिए, हम अपने घर से तो लाए नहीं, गाड़ी लेके गए हैं। कहते जी नहीं, सब कुछ फ्रॉड है, ये सारा कुछ फ्रॉड है, आप जाके पुलिस थाने विक्रांत के खिलाफ कंप्लेंट लिखाओ। जी गाड़ी हम बर्कले से ले गए, पैसे बर्कले में विंडो में जमा करा के हैं। मैंने कहा आप क्या CCTV लगे हुए हैं, आप CCTV फुटेज निकालो, आप देखो हमने पैसे दिए कि नहीं दिए, आप कैश काउंटर में आपके फुटेज लगे हैं। कहते जी हमारे पास कोई वो नहीं है। इसके लिए मैं GM से भी मिला, इसके लिए मैं इनके AGM से भी मिला, इनके मैनेजर से मिला, इनके मालिक से भी मिला। इनके मालिक तो ऐसे साफ मना कर दिया कि जी हम कुछ नहीं करेंगे, जो करेगा पुलिस करेगी, आपकी कंपनी में दिक्कत हुई है तो आप देखो ना उस चीज़ को, हम मालिक ही देखेगा। 28/5 को जब मैं दोबारा गया तो वहाँ विक्रांत ने मुझसे 4,00,000 रुपए का चेक लिया और 52,200 रुपए कैश लिया, जिसमें इंश्योरेंस का प्राइस था और रजिस्ट्रेशन चार्जेस थे। और मुझे रात को उन्होंने 8:30 बजे गाड़ी डिलीवर करी और एक सिक्योरिटी चेक लिया जो कि 4,00,000 रुपए का, कि अगले दिन आपको ये चेक वापस कर दिया जाएगा। तो अगले दिन सुबह मुझे जब रात को गाड़ी दे दी गई, सिर्फ उसके साथ मुझे टेम्प्रेरी नंबर, इंश्योरेंस और कोई रसीद नहीं दी गई। अगले दिन सुबह जब जाके मैंने ललित से मिला तो उसने मुझे मेरा चेक वापस कर दिया। और उसके बाद मैं उनके पास दोबारा गया कि मुझे मेरे डॉक्यूमेंट दे दो या फिर तुम खुद रजिस्टर करवा के दे दो, लेकिन वो कहते भी आपको कोई आने की जरूरत नहीं है क्योंकि गाड़ी हम अपने आप रजिस्टर करवा सकते हैं। आपको कब पता लगा कि आपके साथ फ्रॉड हो गया? सर मुझे तो ये 18/12 को पता लगा। पहले जो उन्होंने रसीद दी 27/7 को, वो 25/9 तक की थी और 25/9 को दोबारा वो आगे एक्सटेंड कर दी गई जो कि 18/12 की थी। 18/12 को जब मैं RLA में गया तो वहाँ पे उन्होंने मुझे बताया कि आपकी ये जो रसीद है वो फॉर्ज्ड है। और उन्होंने मुझे कहा बर्कले में जाके आप पता करें। बर्कले में जब मैं जाके पहुँचा तो उन्होंने मुझे कहा कि विक्रांत फ्रॉड करके चला गया और आप उसके रिगार्डिंग FIR दर्ज करो। एक्चुअली मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली थी, वही बर्कले के कुछ एम्प्लॉई कस्टमर से पैसे ले लेते हैं और फिर वो जो गाड़ियाँ देते हैं ना वो गाड़ियाँ किसी और के नाम की होती हैं। तो जब हमने वेरीफाई किया तो पता चला भी 4 गाड़ियाँ बुकिंग किसी और के नाम थी और किसी और को दे दी गई और उन बंदों को जाली वहाँ से टेम्परेरी नंबर और इंश्योरेंस कवर नोट दिए गए। कुछ दिन बाद जब वो लोग वहाँ पहुँचे, भाई हमने गाड़ियाँ रजिस्टर करवाने, हमारे को बिलिंग दी जाए, तब उनको पता चला कि भाई ये तो गाड़ियाँ ही किसी और के नाम से। ये एक्चुअली कंपनी के एम्प्लॉई हैं, काफ़ी टाइम से ये आपस में जो लोग कॉल कंपनी के थे उनका फ़ायदा उठा रहे थे और मिली भगत करके लोगों को जो है पैसे ऐड करके और गाड़ियाँ उनको दे देते थे। बाद में कस्टमर्स को पता लगता था भाई ये गाड़ियाँ जो है किसी और के नाम से। कंपनी का AGM आरोपी कैंत MBA पास है जबकि पंकज शर्मा निवासी मणिमाजरा भी ग्रेजुएट है और विक्रांत ठाकुर जो कि BSc पास है और पिछले 7 सालों से बर्कले कंपनी में काम कर रहा था, जिसे 3 बार बेस्ट सेल्स अधिकारी का मेडल भी मिल चुका है। सभी आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने और धोखाधड़ी करने के तहत मामला दर्ज किया गया है क्योंकि उन्होंने बीमा और रजिस्ट्रेशन के फर्जी कागजात तैयार किए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रूबरू टुडे।